हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल आज आपको फायरवॉल कैसे कनेक्ट करते हैं नेटवर्क पे ये बताऊंगा। हमारे पास एक फायरवॉल है, हार्डवेयर फायरवॉल, देख सकते हैं फायर बॉक्स XH सीरीज, कंपनी का नाम है वॉचगार्ड। आप इसके फ्रंट पे देखिए, यहाँ पर स्टेटस अटेंशन है, पावर मोड है, देन लैन एंड ऑप्शनल एंड वैन। ये पोर्ट्स LEDs हैं, फेलोअर है, वैप है, लिंक एंड 100 Mbps पे कौन काम कर रहा है, ये सारा स्टेटस के लिए LED इस पर दी हुई हैं। बैक पैनल पे चलते हैं इसके। इसके बैक पैनल पे आप देख सकते हैं यहाँ पर एक सीरियल पोर्ट है, पावर के लिए इनपुट पावर दिया हुआ है, रीसेट करने के लिए रीसेट बटन है, देन कंसोल के लिए सीरियल इंटरफेस है। एंड आप देख सकते हैं इसमें पोर्ट कितने हैं, वैन वन, वैन टू, OPT दैट मीन्स ऑप्शनल, लैन ज़ीरो, लैन वन एंड लैन टू। वैन वन जो है इससे आप एक इंटरनेट लाइन कनेक्ट कर सकते हैं, वैन टू से दूसरी इंटरनेट लाइन कनेक्ट कर सकते हैं, दो इंटरनेट लाइन का यूज़ करके आप फेल ओवर क्लस्टरिंग का यूज़ कर सकते हैं। दैट मीन्स कि अगर एक इंटरनेट लाइन आपका फेल हो जाता है, नेटवर्क डाउन होता है, तो फायरवॉल आपको दूसरे वैन टू का यूज़ करके आपको कनेक्शन प्रोवाइड करेगा, एक्सेस देगा इंटरनेट का। OPT पोर्ट है, आप देख सकते हैं ऑप्शनल पोर्ट है, इसको आप वैन की तरीके और लैन की तरीके दोनों की तरीके यूज़ कर सकते हैं। एंड आप देख सकते हैं लैन ज़ीरो, लैन वन एंड लैन टू। लैन वन से आप लैन वन कनेक्ट करेंगे, यानी कि आप तीन पोर्ट हैं यहाँ पे जिससे आप तीन अलग अलग लैंस को कनेक्ट कर सकते हैं। सीरियल इंटरफेस इसका कंसोल लेने के लिए है CLI मोड में। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो लैन वन है या लैन ज़ीरो है, इससे अगर आप सिस्टम को डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं तो इससे भी आप इसको ग्राफिकली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं थ्रू HTTP, यानी वेब बेस एक्सेस सर्विसेज में है। तो कैसे कनेक्ट करेंगे इसको, कहाँ पे प्लेस करेंगे, ये देखता हूँ मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे राउटर फायरवॉल को कनेक्ट करेंगे। तो फायरवॉल को हमेशा मैं जो कनेक्ट करते हैं वो इंटरनल और एक्सटर्नल नेटवर्क दोनों के बीच में कनेक्ट करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये हमारा नेटवर्क है, ये रैक है जिसके अंदर आप देख रहे हैं एक स्विच है, यहाँ पर ये स्विच है, स्विच किस कंपनी का आप देख सकते हैं, D-Link का स्विच लगा हुआ है, नेटवर्क कनेक्टिविटी ग्लो कर रहा है, D-Link वेब स्मार्ट स्विच DES 1228 24 पोर्ट का स्विच है, जिसके अंदर एडिशनल कुछ पोर्ट्स हैं जो कि फास्ट गीगाबिट इथरनेट इंटरफेसेस एंड ये दो पोर्ट ऑप्टिकल फाइबर पोर्ट हैं, इससे आप फाइबर नेटवर्क भी कनेक्ट कर सकते हैं, और ये चार पोर्ट गीगाबिट पोर्ट हैं, ये दो पोर्ट फाइबर ऑप्टिक पोर्ट हैं। यहाँ पर ये देख सकते हैं पैच पैनल है, हमारे सभी नेटवर्क की सभी अलग अलग स्विचेस की अंडरग्राउंड वायरिंग हुई है, अंडरग्राउंड वायरिंग डायरेक्ट आके पैच पैनल के पीछे पोर्शन पे कनेक्ट हो गई है। यहाँ ये पीछे आप देख सकते हैं, ये पीछे का पोर्शन है, पीछे का